सारे के सारे मटेरियल घटिया है इनके, एक भी मटेरियल सही सा नहीं है इनका। और ऊपर से ना इनका कोई अधिकारी आके राजी है, ना ही कोई व्यक्ति ढंग से बात करके राजी है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो जनता के साथ हूँ, चाहे मुझे गोली मार दे तो भी फर्क नहीं है, चाहे मुझे जेल में डाल दे तो भी कोई फर्क नहीं है, पर जनता के लिए लड़ता रहूंगा, जनता के लिए करता रहूंगा। विकास कार्य दे रहा है हादसों को दावत, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। लेबर और पब्लिक की जान जोखिम में डालकर हो रहा है विकास कार्य। दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा के कुशक नंबर 2 कादीपुर में दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा बिना किसी सेफ्टी प्रबंध मेन रोड काट किया गया गहरा गड्ढा। कई फीट खोद इलाके में किया जा रहा है सीवर डालने का काम, जिसके कारण पब्लिक आवाजाही हो रही है बाधित। स्थानीय लोगों का आरोप, बिना किसी परमिशन के यह काम करवाया जा रहा है। 15 फीट खोदा गया गड्ढा, नहीं है किसी तरह के सेफ्टी इंतजाम, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। राजधानी दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा के कुशक नंबर 2 कादीपुर में बिना किसी सेफ्टी प्रबंधन के मेन रोड काटकर तकरीबन 15 फीट गड्ढा खोदा गया है। अब आलम यह है कि पब्लिक आवाजाही बाधित हो रही है। देखिए मेन चीज क्या है कि जैसे भी कुशक नंबर 2 का जो पूरा रोड है, यहाँ पे रोड पूरा रोड तोड़ रखा हुआ है। अब इसमें आने जाने में बच्चे सुबह सुबह स्कूल आते जाते हैं, शाम के टाइम लोग काम से आते जाते हैं, बहुत ज्यादा जाम हो जाता है यहाँ पूरे रास्ते में, और आने जाने में इतनी दिक्कत होती है कि समझ लीजिए जो रोड है पूरा बंद हो जाता है। बाइक वगैरह निकालने में बहुत दिक्कत होती है, फिर तो बड़ी बड़ी गाड़ियां आते में दिक्कत होती है। कौन सा विधानसभा है और जहाँ पे काम हो रहा है वो कौन सी जगह है और कौन विधायक है यहाँ के? ये प्रधान जी की तरफ से बड़ौदा साइड का है, इधर बुराड़ी विधानसभा है, ये संजीव जी है जहाँ के विधायक है, उनके अंडर में काम हो रहा है इधर। तो अब क्या आप लोग क्या चाहते हैं? जी हम चाहते हैं ये काम जल्द से जल्द यहाँ पे ठीक करवाया जाए, क्योंकि इससे आने जाने बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि इतना डीले हो रहा है, काफी टाइम से काम स्टार्ट हो रखा है लेकिन अभी तक ये प्रॉपर तरीके से खत्म नहीं हुआ है। ये पूरा जो मेन रास्ता है उन्होंने पूरे मेन रास्ते को ब्लॉक कर रखा है, और गलियों में पतली पतली गलियां हैं तो उसमें जाने में बहुत दिक्कत होती है, तो मेन रोड यही है जो कि उन्होंने बंद कर रखा है, बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। बुजुर्गों की अगर बात करें तो वो लोग कैसे इसके सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि रोड इतना ज्यादा? देखिए बुजुर्गों का क्या है ना कि यहाँ पे उनको तो आने बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, हाँ रास्ता बिल्कुल सही नहीं चलने लायक, तो ऐसे में गिरना लगना आम सी बात है छोटे बच्चों के लिए और बूढ़े लोगों के लिए। तो साथ ही लोगों का आरोप कि बिना विभाग के परमिशन के ही रोड को ब्लॉक कर काम करवाया जा रहा है। यह रोड स्वरूप नगर से बुराड़ी को जोड़ने वाला मेन रोड है, राहगीर और स्थानीय लोगों की आवाजाही के लिए भी रास्ता नहीं है, जिसके चलते अब इलाके में रहने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों के सामने इतना गहरा गड्ढा होने की वजह से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। छोटे बच्चों और बुजुर्गों के इस गड्ढे में गिरे तो जान भी जा सकती है। स्थानीय जनता की सुविधा के लिए किए जा रहे विकास कार्य से इस रोड से आवाजाही पूरी तरह बाधित हो रही है। साथ ही रोड खुदाई के बाद ना ही रोड की मरम्मत ना ही रोड की सफाई की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरे रोड पर किस तरह रोड़े पड़े हुए हैं, जिससे स्कूली बच्चों और बुजुर्गों को आवाजाही करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मानो संबंधित प्रशासन और जनता प्रतिनिधियों को यहां बड़े हादसे का इंतजार हो। जानकारों की माने तो सितंबर महीने के बरसात के मौसम में इस तरह के कामकाज पर सरकारी रोक होती है, बावजूद बिना किसी सेफ्टी इंतजाम के लेबर काम कर रहे हैं, जिससे लेबर और पब्लिक दोनों के जान जोखिम में डाला जा रहा है। फिलहाल समाजसेवी नवीन भोला और स्थानीय लोग संबंधित विभागों और जनता प्रतिनिधियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा रहे हैं। मामला चाहे जो भी हो वो तो विभागीय जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि असल वजह क्या है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि संबंधित प्रशासन को निष्पक्ष तरीके से इलाके में हो रहे विकास कार्य की गंभीरता से जांच होनी चाहिए, और यहाँ पे इसलिए आए हुए हैं कि इनका काम रुकवाने के लिए, क्योंकि इनके पास परमिशन नहीं है। हमने इनसे कहा कि परमिशन दिखाइए, क्योंकि जो भी काम हो रहा है गलत तरीके से हो रहा है, तो इन्होंने परमिशन नहीं दिखाया, और साथ में कभी किसी को फोन कर रहे हैं, कभी किसी को फोन कर रहे हैं, कभी किसी को फोन कर रहे हैं। इनकी कहानी समझ में नहीं आ रही है, ना ही इनके पास ट्रैफिक का कोई व्यवस्था है, ना ही वहां से परमिशन है, ना ही दिल्ली पुलिस से कोई बात है इनकी, ना ही परमिशन है, ना ही MCD से है, और इन्होंने लगभग 12 से 15 फुट गहरा गड्ढा जो है ये खोदा है, जिसके लिए दोनों साइड सुरक्षा की व्यवस्था होना चाहिए, जो बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए कोई बच्चा अगर गिर जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या ये जिम्मेदारी लेंगे जो आजकल मकान गरीब लोग बना रहे हैं?
उनकी नींव उतनी मजबूत नहीं होती है। ये 15 फुट के गड्ढे में यदि इस मकान का देखिए दरारें पड़ रही है इस मकान के अंदर, अगर ये नींव मकान गिर गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या ये लोग जिम्मेदारी लेंगे? उसके बाद जितने भी रिपेयर के काम में गड्ढे खोदे सारे के सारे मटेरियल घटिया है इनके, एक भी मटेरियल सही सा नहीं है इनका। और ऊपर से ना इनका कोई अधिकारी आके राजी है, ना ही कोई व्यक्ति ढंग से बात करके राजी है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो ऐसे व्यवस्था, ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे विधायकों को आपस में दो दो विधायक मिलकर के, एक बुढ़ारी का विधायक, एक बादली का विधायक, आपस में मिलकर के जो उल्टे सीधे काम करवा रहा है, गलत है। ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है, ये टैक्स के पैसे का दुरुपयोग है। और हमारी जनता तो इन्हें लीडर चुनती है, उसे क्या पता क्या चीज क्या है क्या नहीं है, इनके वो जानकारी है तो ये उसकी सुरक्षा व्यवस्था करें। पर ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी का उनके ऊपर, इनके खुद के लेबर की तो दिक्कत हो सकती है, इनका ही लेबर नीचे मैंने देखा कि 15 फुट गड्ढे में बिना सेफ्टी के खड़ा था। मान लीजिए कि ये ढह गया या ऊपर से उस लेबर के ऊपर कुछ गिर गया तो उसके बाल बच्चों की कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या इनके ऊपर कोई इंश्योरेंस की व्यवस्था कर रखा है? जनता के फोन आए हैं, जनता के इस क्षेत्र के लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझे फोन किया और राहुल जी ने फोन किया, कई चलों ने फोन किया मेरे को। राहुल काउंसलर की धमकी आ रही है, विधायक की भी आती है, मेरे पास आती रहती है। तो मैं इन चीजों से नहीं डरता, मैं तो ये कागज आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मैं इसका लेटर लिखा हूँ और मैं कंप्लेंट करने जा रहा हूँ थाने में, कंप्लेंट भी करूंगा। तो मैं धमकियों से नहीं डरता, जनता के लिए लड़ता हूँ, जनता के लिए खड़ा होता हूँ, जनता के साथ हूँ। चाहे मुझे गोली मार दे तो भी फर्क नहीं है, चाहे मुझे जेल में डाल दे तो भी कोई फर्क नहीं है, पर जनता के लिए लड़ता रहूंगा, जनता के लिए करता रहूंगा। जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग, मिलावटी सामान लगाकर यहाँ पर। ये जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करे, जनता के साथ खिलवाड़ नहीं करे, जनता के जीवन के साथ। कल यदि कोई घटना घट जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी गरीब का मकान गिर जाता है, किसी का बच्चा गड्ढे में गिर के मर जाता है, कौन जिम्मेदारी लेगा? यहाँ पर शासन, प्रशासन ने भी आंखें बंद कर रखी।